बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम कीमा आलू बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। ये देखें, 1 किलो मैंने कीमा लिया है, इसको बारीक कुटवा लिया था। 1 बड़े साइज़ की प्याज है, 2 टमाटर हैं इसके अंदर, थोड़ी सी लौंग है, काली मिर्ची, ज़ीरा, दालचीनी के टुकड़े और तेज़पत्ता। ये सारी चीज़ें हमने ली हैं, इसके अंदर ऐड करेंगे। ऑयल ले रही हूँ, 1 कप मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और ये गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको हल्का सा सौते करेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए ऑयल में। इसके बाद हम अनियन ऐड कर रहे हैं, जिसको मैंने फाइन चॉप करके रखा था। अच्छे से इसको हम फ्राई कर लेंगे। बहुत चटपटा सा, बड़ा मज़े का बनता है। नाश्ते में खाएं, दोपहर में खाएं, रात में खाएं, ये ऑल टाइम होता है, इसको जब मर्जी आए आप खाएं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 चम्मच ऐड किया है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर कीमा ऐड कर रहे हैं, ताकि कीमा हम अच्छे से तल लेंगे। मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था धोने के बाद बहुत अच्छे से, ताकि इसका जो भी ब्लड हो या पानी हो, जो भी हो, वो निकल जाए अच्छे से, वरना फिर कीमे में स्मेल आती है अगर इसमें गंदा पानी रहता है तो। बहुत अच्छी तरीके से अदरक लहसुन में तल लेंगे। इसके बाद हम मैं इसमें 1 टीस्पून कुटी मिर्च और 1 टीस्पून मिसी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर, नमक ऐड किया मैंने। 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। मसाले भी हम अच्छे से तलेंगे साथ में। अब मैं इसके अंदर टमाटर जो मैंने काट के रखे थे वो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। पराठे से खाएं, रोटी से खाएं, इवन आप चावलों से खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है ये। अब इसके अंदर पानी ऐड करके हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे, धीमी आंच पे खोल आ जाएगी तो, ताकि कीमा अच्छे से हमारा गल जाए। फिर हम इसको भून के और आलू ऐड करेंगे इसके अंदर। ये देखें, कीमा हमारा गल चुका है, हो चुका है। अब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। अब इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड किया है 1 टीस्पून। ऑयल देखें आने लगा है। अब इसके अंदर मैंने ये 1/2 किलो आलू काट के रखे थे चौकोर पीसेस में, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे, फिर थोड़ा सा पानी डाल के हम इतनी देर के लिए रखेंगे कि आलू हमारे गल जाएं। जब आलू गल जाएंगे तो हम पानी खुश्क करके बस हमारा कीमा रेडी हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है वीडियो। एटलीस्ट 2 to 3 मिनट वॉच किया करें, उसके बाद सब्सक्राइब किया करें। कसूरी मेथी इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाली है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप इसको कोशिश किया करें कि इसको लाजमी ऐड करें इसमें। हरी मिर्चें और अदरक इसमें ऐड कर रही हूँ। सूखी वाली कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। बस देखें, ऑयल भी हमारा आ चुका है और कलर देखें आप कितना खूबसूरत सा है। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे कीमे को। देखिए इतना ज़बरदस्त सा चटपटा सा कीमा हमारा तैयार है, बिल्कुल तला तला कीमा है ये। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कमेंट करके कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।